एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो जो UG और PG के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, और जो अपने एग्जामिनेशंस को देने वाले थे, फाइनल एग्जामिनेशंस को, सेमेस्टर 2 के पेपर्स को, सेमेस्टर 4 के और सेमेस्टर 6 के पेपर्स को, उनके लिए एक न्यूज है कि UGC ने जितने भी ऑफलाइन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करना था मई के महीने में यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, उसको कैंसिल कर दिया है। और UGC ने साफ साफ शब्दों में सारे विश्वविद्यालयों को और सारे राज्य के भी विश्वविद्यालयों को लेटर लिखकर साफ साफ कहा है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर सकें, तो आप ऑनलाइन पेपर्स को कंडक्ट कर सकते हैं मई के महीने में, पर जो ऑफलाइन एग्जाम्स को शेड्यूल किया गया था मई के महीने में, उन पेपर्स को बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। पर हमारे देश में ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज के लिए ये गाइडलाइन है कि सबसे पहले जून के महीने में रिव्यू मीटिंग होगी और उस रिव्यू मीटिंग के बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से तब तो आपके एग्जामिनेशंस जुलाई में होंगे। तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो खुशी की बात मैं नहीं बोलूंगा जो मेरे चैनल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैंने आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की थी और एग्जामिनेशंस कैंसिल होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आप देख रहे हैं कितनी तेजी से फैल रहा है। तो हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि जल्दी से ये कोरोना का जो सेकेंड वेव है जल्दी से ये खत्म हो, हमारे एग्जामिनेशंस हो और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास डिग्रीज जल्दी से जल्दी आ जाए। और मैं अपने पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर 6 में हैं और जो JNU की तैयारी कर रहे हैं और बाकी किसी यूनिवर्सिटीज की, उनके लिए भी मैं कहूंगा कि JNU का जो फॉर्म निकलने वाला है, NTA जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला था, मेरे ख्याल से वो भी लेट से होगा। क्योंकि भाई देखो, अगर एग्जामिनेशन हो भी जाते हैं तो जब तक आपका रिजल्ट आपके पास नहीं होगा, एडमिशन प्रोसेस जो है शुरू नहीं होगा, क्योंकि वहां एक कट ऑफ क्राइटेरिया है आपके परसेंटेज में, तो मेरे ख्याल से वो एग्जामिनेशंस भी अब लेट से कंडक्ट कराए जाएंगे। आपके पास ये एक खुशी की बात है कि आपके पास अधिक समय मिल गया है, आपको इसको सही से यूटिलाइज करना है। और मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी ही इंडियन पॉलिटी का यूनिक कोर्स मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें DD बसु, सुभाष कश्यप और लक्ष्मीकांत तीनों को मिलाकर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। सिर्फ लक्ष्मीकांत को कवर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ UPSC के लिए DD बसु और सुभाष कश्यप को भी कवर करेंगे। तो अगर मेरे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स अगर ये कोर्स को चाहते हैं तो यस, आई वांट दिस कोर्स, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जितने भी UG और PG के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए खबर था कि जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने हैं सिर्फ वही होंगे, ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो मई के महीने में शेड्यूल किए गए थे अब वे एग्जामिनेशन नहीं होने वाले हैं। ऑफलाइन एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन एग्जामिनेशंस अगर ऑनलाइन आपके हो सकते हैं, अगर आपका कॉलेज अगर कैपेबल है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है, तो फिर आपके एग्जामिनेशंस ऑनलाइन हो सकते हैं, UGC ने ये भी कहा है। और ये लेटर सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज है स्टेट में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सबको इस रिगार्ड में इंफॉर्मेशन भेजा गया है। तो आप इस न्यूज को डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ। तो ये एक आपके लिए खबर थी जो कि मैंने सोचा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, और जो सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस के जो लेक्चर्स हैं जल्दी से जल्दी सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा। सेमेस्टर 4 कंप्लीट है, सेमेस्टर 2 इस साल नहीं करा पाऊंगा, सेमेस्टर 2 अगले साल के जो स्टूडेंट्स होने वाले हैं उनके लिए सेमेस्टर 2 भी कंप्लीट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।